नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ जीके क्वेश्चन, जो कि एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है, कई बार एग्जाम्स में पूछा भी गया है। तो प्लीज वीडियो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और आपको इन क्वेश्चन का अगर आपको आंसर आता तो फटाफट कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिएगा। आज का जो हमारा पहला प्रश्न है, प्लास्टिक के नोट सर्वप्रथम किस देश में जारी किए गए? तो प्लास्टिक के नोट सर्वप्रथम ऑस्ट्रेलिया में जारी किए गए। कहाँ पर जारी किए गए? ऑस्ट्रेलिया में जारी किए गए। ठीक है दोस्तों, प्लीज वीडियो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और इन क्वेश्चंस को आप याद रखिएगा, कई बार ये एग्जाम्स पूछे गए हैं, खासकर रेलवे एग्जाम्स में, ठीक है, और एसएससी एग्जाम्स में काफी बार पूछे गए हैं। सेकंड क्वेश्चन है, गुटेनबर्ग असंतता किसके मध्य पाई जाती है? तो गुटेनबर्ग असंतता प्रवार और क्रोड के बीच पाई जाती है। किस किसके मध्य पाई जाती है? प्रवार और क्रोड के मध्य। थर्ड क्वेश्चन है, पंपा घास के मैदान पाए जाते हैं भारत, चिली, अर्जेंटीना या इनमें से कोई नहीं। तो पंपा घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? अर्जेंटीना में पाए जाते हैं और ये शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन, नील नदी का उद्गम स्थल है? तो नील नदी का उद्गम स्थल विक्टोरिया झील, भूमध्य सागर, अल्टाई पर्वत या इनमें से कोई नहीं। तो नील नदी का उद्गम स्थल है विक्टोरिया झील और यह भूमध्य सागर में जाकर गिरती है, ठीक है। और इसकी जो लंबाई है वह 6699 किलोमीटर, 6699 किलोमीटर, ठीक है। कहाँ से निकलती है? विक्टोरिया झील से निकलती है और कहाँ जाकर गिरती है? भूमध्य सागर में जाकर गिरती है। आज का जो फिफ्थ क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे जुड़वा खनिज कहा जाता है? लोहा, तांबा, को सोना, चांदी, सीसा, जस्ता या इनमें से कोई नहीं। तो आपको ध्यान रखिएगा, सीसा जस्ता को जुड़वा खनिज कहा जाता है क्योंकि ये अधिकतर जुड़वा अवस्था में ही मिलता है, यानी कि जो सीसा और जस्ता एक साथ ही पाए जाते हैं, इसलिए सीसा और जस्ता को जुड़वा खनिज कहा जाता है। सिक्स, रबर आसानी से किस में घुल जाता है? रबर आसानी से किस में घुल जाता है? कार्बन में, बेंजीन में, डीजल में या केरोसिन में? तो उसका सही जवाब है बेंजीन में। रबर आसानी से किस में घुल जाता है? बेंजीन में आसानी से घुल जाता है। आज का जो सेवंथ क्वेश्चन है, राज्य सरकार के लिए राजस्व का सर्वोत्तम स्रोत क्या है? राज्य सरकार के लिए राजस्व का सर्वोत्तम, जो कर का जो सर्वोत्तम स्रोत है वो क्या है? तो इसका जो सही आंसर है वो होगा बिक्री कर, ठीक है। क्या होगा? बिक्री कर, भूमि कर, होटल कर, इनमें से कौन सा होगा? बिक्री कर राजस्व का सर्वोत्तम स्रोत, राज्य सरकार के लिए ध्यान रखिएगा। आठवां क्वेश्चन है, मधुशाला के रचयिता हैं अमिताभ बच्चन, महादेव वर्मा, हरिवंश राय बच्चन या इनमें से कोई नहीं। उसका सही जवाब है हरिवंश राय बच्चन। और हरिवंश राय बच्चन को उनकी कृति मधुशाला के लिए सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया गया था। अगर कई बार क्वेश्चन बन जाता है कि हरिवंश राय बच्चन को उनकी किस कृति के लिए सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया गया था, तो उसका सही जवाब होगा मधुशाला, ठीक है। नाइन्थ क्वेश्चन है, आगरे के किले को यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में कब शामिल किया गया था? तो आगरा का जो किला है, उसको 1983 में विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था। मैं यहाँ ताजमहल की बात बिल्कुल भी नहीं कर रहा, मैं किसकी बात कर रहा हूँ? आगरा के किले की। उस कब सूची में शामिल किया गया था? 1983 में। भारत के अधिकतर मुगल सम्राट यहाँ रहा करते थे, जिनमें औरंगजेब, शाहजहाँ, बाबर, हुमायूं, अकबर आदि शामिल है, ठीक है। मुगल सम्राट अधिकतर यहाँ रहा करते, जिनमें औरंगजेब, शाहजहाँ, बाबर, हुमायूं, अकबर आदि शामिल है। कब शामिल किया गया था आगरा के किले को? 1983 में। ये कहाँ पर है? आगरा, यूपी में। आज का जो दसवां क्वेश्चन है, मानस वन्य जीव अभ्यारण्य को यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में कब शामिल किया गया था? तो इसका सही जवाब है 1985 में। कब शामिल किया गया था? 1985 में मानस वन्य जीव अभ्यारण्य को यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था। यहाँ बाघ व हाथियों के लिए आरक्षित क्षेत्र है, यहाँ पर मानस जंगली भैंसों की भी आबादी काफी पाई जाती है। जंगली भैंसे बाघ व हाथियों के लिए आरक्षित क्षेत्र है और इसका जगह का जो नाम पड़ा है वो किसके नाम पर पड़ा है? मानस नदी के नाम पर इस अभ्यारण्य का नाम पड़ा है। कब शामिल किया गया था? 1985 में। आगरा का किला कब शामिल किया गया था? 1983 में, ठीक है। मधुशाला की रचयिता हरिवंश राय बच्चन है। राजस्व का सर्वोत्तम स्रोत क्या है? बिक्री कर।
रबर आसानी से किस में घुल जाता है? बेंजीन में घुल जाता है। निम्नलिखित में किसे जुड़वा खनिज कहा जाता है? सीसा जस्ता को जुड़वा खनिज कहा जाता है क्योंकि ये दोनों एक साथ मिश्रित अवस्था में पाए जाते हैं। नील नदी का उद्गम स्थल विक्टोरिया झील है। पंपा घास के मैदान पाए जाते हैं अर्जेंटीना में और ये शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है। गुटेनबर्ग असंतता किसके मध्य पाई जाती है? प्रवार और क्रोड के बीच में। और आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन था, प्लास्टिक नोट सर्वप्रथम किस देश में जारी किए गए? ऑस्ट्रेलिया में। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।